गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेवेंथ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेवन विशेषण। हम पढ़ रहे थे व्याकरण, और व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं कि विशेषण पढ़ रहे हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। देखिए यहाँ पर जो ये उदाहरण दिए गए हैं, इन पर ध्यान से देखिए। जो रंगीन शब्द हैं ये विशेषता बतला रहे हैं कि इनकी, जैसे संज्ञा या सर्वनाम की। तो जैसे दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना है, तो दिल्ली क्या है? आपकी संज्ञा है, ये स्थान है, और स्थान की विशेषता बताई जा रही है कि स्थान के इतिहास की विशेषता बताई जा रही है कि इतिहास क्या है, कैसा है, पुराना है। प्रमुख नगर है, यह विश्व का क्या कैसा है नगर, कैसा है, प्रमुख नगर है, और यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं। इस प्रकार इसकी परिभाषा होती है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, ये नोटबुक में लिख लीजिएगा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ये भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। मतलब जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है वो शब्द क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। और जो विशेषता उसकी बतलाई जाती है वो विशेषण कहलाता है। जैसे कि गाय काली है, तो गाय क्या हो गई? विशेष्य हो गई, क्योंकि गाय की विशेषता बतलाई जा रही है और काली उसका विशेषण हो गया। देखिए इसमें भी पुराना विशेषण क्या है? पुराना, और विशेष्य इतिहास। दर्शनीय विशेषण क्या है? दर्शनीय, और विशेष्य है स्थल। ठीक है, इसी तरह विशेषण के भेद। विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के विभिन्न प्रकार के गुण, दोष, आकार, रंग, दिशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण बताए, दोष बताए, आकार बताए, रंग बताए, दिशा बताए, अवस्था बताए, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुण के बारे में बता रहा है, तो गुण दोष बताए, तो जैसे राधिका कैसी है उसका गुण बता रहा है, लंबी है और सुंदर है। गाय कैसी है? गाय काली है, और वो कैसा दूध देती है? सफ़ेद दूध देती है। वह व्यक्ति कैसा है? ईमानदार है। लाल किला कैसा है? ऐतिहासिक है। तो ये कौन सा विशेषता हो गई? गुणवाचक विशेषण हो गई, क्योंकि गुण के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह आगे हम आते हैं परिमाणवाचक विशेषण में। परिमाणवाचक विशेषण में मात्रा का बोध होता है, मात्रा का बोध होता है। जैसे मैं बाज़ार से 1 किलो दूध लाया, तो ये जो किलो है, कुछ है, किलो है, सारे हैं, मतलब कि मात्रा के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की मापतौल, मात्रा आदि संबंधी विशेषता का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की गणना संबंधी विशेषताओं का बोध होता है उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे 40 यात्री बस में बैठे हैं, तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? संख्या का बोध हो रहा है। 40, 10, एक दर्जन, हजारों, तो यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये संख्यावाची विशेषण है। 40, 10,000, एक दर्जन, ये क्या है? संख्यावाची विशेषण है। संख्यावाची विशेषण के भेद। संख्यावाची विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची में निश्चित संख्या का बोध होता है, जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये जहाँ जहाँ अंडरलाइन करवाया है आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। उपयुक्त वाक्यों में 2, 5 और 50 विशेषण क्रमशः सेव, बच्चे और विद्यार्थी संज्ञा शब्दों की निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, ये निश्चित संख्यावाची विशेषण है। इसके बाद है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्यों की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें निश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे कई छात्रों ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, तो छात्रों ने तो भाग लिया, लेकिन कितने छात्रों ने भाग लिया ये निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लीजिए और इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। इसके बाद है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पूर्व आकर, संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे भिखारी को खाना दे दो, तो ये जो भिखारी है
कौन से भिखारी को, उस भिखारी को, तो उस मतलब किसी विशेष के बारे में बता रहा है, मतलब उसको दे दो, दूसरे और भिखारी को मत दे देना, भिखारी को खाना दे दो, मतलब कोई भी भिखारी है उसको खाना दे दो, लेकिन किस भिखारी को दे दो, उस भिखारी को दे दो। तो ये सर्वनाम है और विशेषण के पहले आ गया, इसलिए ये क्या है, उस सर्वनामिक विशेषण हो गया, ये क्या हो गया, शब्द के संज्ञा के पूर्व आ गया और संज्ञा के पूर्व आने के बाद उसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहलाया। ऐसी साड़ी मुझे खरीदनी है, ये देखिए पहले आ गया संज्ञा के और संज्ञा के पहले आने के बाद उसने उसकी विशेषता बतला दी, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण है। और ये सर्वनाम भी है, यह ये भी सर्वनाम है, कोई ये भी सर्वनाम है और उससे पहले आ गया, इसलिए ये सर्वनाम विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी इसे कहा जाता है। सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में अंतर, बच्चों सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण के बीच आसानी से भ्रम हो सकता है, इसका कारण यह है कि दोनों में समान शब्द प्रयुक्त होते हैं, अंतर केवल इन शब्दों के प्रयोग में होता है। जैसे सर्वनाम है, यह मेरी पुस्तक है, तो सर्वनामिक विशेषण क्या बनेगा, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो ये मेरी जो है बाद में चला गया और ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। सर्वनाम वह बाजार जाता है, तो सर्वनामिक विशेषण क्या बनेगा, वह बाजार सुंदर सजा है। मनीषा किससे मिलने जा रही है, किस मनीषा से मिलने जा रहे हो, है ना, इस तरह ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद है प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, विशेषण की भी विशेषता जो बतलाए वो क्या है, प्रविशेषण है। जैसे यह तरबूज बहुत लाल है, अब लाल तो है मगर कितना है, बहुत है, विद्यालय में लगभग 700 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 700 हैं, मुझे हल्का गुलाबी रंग पसंद है, मतलब विशेषण की भी विशेषता बतलाई जाए तो वो प्रविशेषण कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आया, जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।